बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपने हाफ के जी आपने कीमा लेना है, हरा धनिया थोड़ा सा, 3 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 अदद टमाटर चकोर कटा हुआ। आपने इसके अंदर से बीज और पानी निकालकर आपने चकोर छोटा छोटा काट लेना है। 1 अदद प्याज, वो भी आपने छोटा छोटा चकोर काट लेना है। तलने के लिए तेल, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून बेसन जो कि आपने ड्राई पैन में इसको भून लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया और साबुत जीरा, इसको भी आपने ड्राई पैन में भून कर आपने इसको हल्का सा क्रश कर लेना है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हसबे जरूरत नमक, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले आप कीमा, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें ये डाल लें, और टमाटर आपने बाद में डालने हैं क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं और वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे, वो आपने बाद में डालने हैं। फिर इसके बाद गरम मसाला, साबुत धनिया और जीरा, काली मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हसबे जरूरत नमक, भुना हुआ बेसन और 1 अंडा डाल लें। ये डालकर अब अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप छोड़ देना है। 15 मिनट हो चुके हैं। आप दूसरी तरफ आप फ्राई पैन में तेल गर्म कर लें डालकर, और कीमे में आप टमाटर डाल लें। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप इसके बड़े बड़े कबाब बना लें। इस तरह से फिर इसको तल लें आप। आपने इसको बड़ा बड़ा रखना है क्योंकि ये बाद में थोड़े से स्लिंग भी हो जाते हैं। एक साइड पकने के बाद अब आप इसको पलट लें और दूसरी साइड पर डालें। दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद आप इसे निकाल लें।
इसी तरह से आप सारे कबाब तल लें। लीजिए चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। इसे आप पुदीने की चटनी और रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।